हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इवनिंग व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे शाम के 5 बज गए हैं, बच्चे स्कूल से आ गए। आने के बाद इन लोगों को मुझे थोड़ी देर के लिए टैप देना होगा। ऐसे इन 5 हो गए, अब तुम्हारा होमवर्क टाइम होता है। कर लेता हूँ। हो गया? या ओके। अब मैं चलती हूँ मेरे किचन की ओर, क्योंकि शाम का चाय बनाना है और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स भी बनाने हैं मुझे। तो स्नैक्स में मैं क्या बनाऊँ यही सोच रही हूँ। किचन मेरा ऐसा हुआ है, इसको आज क्लीन नहीं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे यहाँ चाय बनाना है मेरे लिए और मेरे मामा यानी कि ससुर जी के लिए, और बच्चे दूध पीना पसंद करेंगे। तो चलिए चाय, दूध और रागी माल्ट को प्रिपेयर करेंगे। हमारे यहाँ तो हम लोग विजया लेते हैं, दूध अच्छा भी रहता है और थोड़ा गाढ़ा भी होता है। तो मैं इसे कट करके एक बाउल में ले लेती हूँ। दूध को कट कर लेती हूँ और बाउल में ले लेंगे बर्तन में। तो बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं रेसिपीज अपलोड करती रही हूँ। ऑलमोस्ट 450 रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो मुझे भी कुछ अलग करने का मन कर रहा है, तो क्या करूँ कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो एज ए यूट्यूबर मैं भी ब्लॉगिंग, बहुत सारे ब्लॉगर्स है तो मैं ब्लॉगर्स को देखती हूँ। बहुत सारे फेमस ब्लॉगर्स है, सभी के ब्लॉगिंग में देखती हूँ और मुझे भी बहुत पसंद आते हैं ब्लॉग्स, देखने में मजा आता है। तो मैंने सोचा कि ट्रायल बेसिस में मैं भी आज एक ब्लॉग कर लूँ। तो मैं पहले माल्ट के लिए प्रिपेयर करूंगी। रागी माल्ट बनाना बहुत ही आसान है। एक चम्मच रागी माल्ट लिया है, रागी का पाउडर जो सभी सुपरमार्केट्स नॉर्मल दुकानों में मिल रहा है, तो उसको मैंने बाउल में ले लिया है। मैं इसमें दूध ऐड करूंगी एक कप। दूध को भी इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ चीनी। मेरे इन-लॉज को मीठा पसंद है, वो चीनी थोड़ा भी कम हो जाए उनको पसंद नहीं आता है। चीनी को ऐड करके इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इन सभी चीजों को मैंने कर लिया है मिक्स। अब मैं यहाँ पे चाय को भी रेडी कर लेती हूँ। सभी चीजों को एक साथ मैं स्टोर ऑन करके रखूंगी। फिलहाल अब हम दोनों ही चाय पीने वाले हैं। कुछ बच गया तो मैं दोबारा फिर से गर्म करके पीऊंगी। मुझे चाय पीना तो बहुत पसंद है, दिन में बहुत बार चाय पीती हूँ मैं। 2 कप दूध ऐड किया है, अब इसमें जाएगा 2 कप पानी। अब इसमें जाएगा टी पाउडर यानी कि चाय की पत्ती। इसी में मैं चीनी को भी ऐड कर देती हूँ। अब ये 3 चीजें जाएंगे स्टोव पे। यहाँ पे फ्लेम ऑन हो गया है, 3 स्टोव के ऊपर बन रहे हैं। दूध गर्म हो रहा है, रागी माल्ट बन रहा है और यहाँ पे चाय भी उबल रहा है। रागी माल्ट को हमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है, वरना ये जो है तले से दाग लग जाएगा। मुझे ना रेसिपीज बता बता के वही पैटर्न आ रहा है। जब तक हमारा चाय, दूध और रागी माल्ट बनेगा तब तक हम बातें करेंगे, बीच बीच में चम्मच चलाते ही रहेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा भी ब्लॉगिंग में आ जाएंगे। पर ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, और बहुत सारे लोग ब्लॉग करते हुए देखा मैंने, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों को तो बहुत बड़ा अवार्ड देना चाहिए यूट्यूब को। बहुत मुश्किल है ब्लॉगिंग करना, घर संभाल रहे, बच्चों को भी पढ़ाई वगैरह देख रहे हैं और साथ में ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं। तो मैं आज पहला ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो देखते हैं अगर मैं ब्लॉगिंग कर पाई तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मेरे पुरानी रेसिपीज बनाते जाऊंगी यूट्यूब पे। यहाँ पे रागी माल्ट जो है वो बन गया है, मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। मुझे चाय का इंतजार है। तो आप
आप कमेंट करके बताइए कि व्लॉगिंग करूं या डेली रेसिपीज। चाय जो है वो बन गया है, मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और बाउल में ले लेते हैं चाय को। यहाँ पे कप्स रखे हुए हैं, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। बहुत ही कड़क चाय बन गई है। मैं आ गई हूँ मेरे ससुर जी के रूम पे। मामा क्या करते हैं? तो ये हमारा चाय रेडी है। तो ये वाला मेरा, मेरे ससुर जी का रूम जो है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। देखिए उनके विंडो के पास भी ग्रीनरी है और बेडरूम के बेड के पीछे, और कितने अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन करवाया है रूम का। मेरे ससुर जी का चाय को तो मैंने दे दिया है और ये है मेरा वाला चाय। मैं बहुत गर्म पी नहीं सकती हूँ, पसंद नहीं है शुरू से। यहाँ पे देखिए मुझे सॉसर में पीना ही पसंद है क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है और पीने में भी अच्छा लगता है। बहुत ही मजे की चाय बनी है। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मेरा YouTube सिल्वर प्ले बटन है जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पर मिला है। वो तो मेरा जिंदगी का सबसे पहला अवार्ड है। मेरे इस साइड आपको देखने को मिलेगा। कल सुबह भी हो सके तो मैं व्लॉग बनाऊंगी। वॉकिंग जाने का प्लान है, बहुत मोटी हो गई हूँ। रमजान में हम लोग वॉकिंग बिल्कुल भी जा नहीं पाए हैं। जो वॉकिंग के लिए हम लोग जाते हैं वो प्लेस तो सच में बहुत ही सुहाना रहता है। मैं यहाँ व्लॉग कर रही हूँ, दूध भी गर्म हो गया है। समीरा सिंह को भी दूध लेके जाती हूँ, देखती हूँ अंदर ये लोग पढ़ रहे हैं या तो टैब पकड़ के खेल रहे। वापस मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे दूध लेना है ग्लासेस में समीरा और यासीन के लिए। समीर मेरा बड़ा बेटा है और यासीन मेरा छोटा बेटा। तो व्लॉगिंग में नई नई हूँ, कच्ची खिलाड़ी हूँ, तो आपको मुझे बताना होगा कि कुछ व्लॉगिंग करने के लिए कुछ नए तरकीब हो तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट के रूप में। चीनी को ग्लास में ले लिया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हॉर्लिक्स। पहले तो ये लोग बूस्ट और बॉर्नविटा पीना पसंद करते थे, अभी उनको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो रागी माल्ट पीने को लिए सजेस्ट करती हूँ। उन लोगों को पसंद नहीं है रागी माल्ट, तो चलो कुछ ना कुछ पी ले, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। लास्ट वीक समीर और यासीन तो दोनों को बहुत जोरों की बुखार आई है क्योंकि वायरल बहुत चल रहा है हैदराबाद में, और चेन्नई में भी मैंने कॉल किया तो मेरे मासी बता रहे थे कि वहाँ भी सभी लोगों को बुखार आई है। वायरल फीवर बहुत ज्यादा है और फीवर 2-3 दिन में कम हो रहा है बुखार, उसके बाद वीकनेस जो है पूरा 1 हफ्ते तक कंटिन्यू हो रहा है। बच्चे मेरे बहुत वीक हो गए, पूरे 10 दिन स्कूल नहीं जा पाए वो लोग। दूध पीने के भी 100 नखरे करेंगे ये लोग समीर और यासीन। यहाँ पर मेरा छोटू बुद्धिमान बच्चा देखे कितना अच्छे से होमवर्क कर रहा है। बहुत सारे इनकम्प्लीट से लास्ट 1 वीक से स्कूल नहीं गए यासीन। यासीन का दूध को दे दिया है मैंने, अब समीर को देखती हूँ। दोनों दो अलग अलग रूम पे बैठ के वर्क्स कर रहे हैं। यहाँ पे समीर तो बहुत बिजी है,
समीर के भी बहुत सारे इनकम्प्लीट है, वायरल था तो पहले समीर को बुखार हुआ, उसके बाद यासिन को भी। समीर को भी दूध दे। टाइम व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ इंशाल्लाह, और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।